तो आज हम आ चुके हैं पंडित कलाड़ी हट के पास, जो कि परेड़े पड़ता है और ये बहुत ही फेमस शॉप है। अगर आप जानते हैं तो इसकी जो टाइमिंग है वो करीबन शाम के वक्त ही रहती है। तो चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं आज परेड। तो जैसे आप सबको पता है, ये जो परेड है वो पड़ता है सिटी में, या अगर आप जम्मू से तो आप जरूर सिटी आए होंगे, यानी कि परेड तो घूमा ही होगा, और लड़की है अगर आप स्पेशली तो पक्का ही घूमा होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे यहाँ पे चीज़ें मिल जाती है। मैं तो शौक हो गई देख के। जो कुर्तीज का रेट है, आप मानेंगे जो स्टार्टिंग रेट है वो 400 रुपये। तो ये जो व्लॉग है पूरा एंड तक देखना, मैं आपको आज एक्सप्लोर कराऊंगी अपने साथ ये परेड। हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, जल्दी से पहले सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट व्लॉग आपने देखा ही है कि मेरा शूट था, उसके बाद आज उसका नेक्स्ट डे है, और जो मेरे बाल है वो ऑलरेडी कर्ल्ड है। तो अभी मैं हेड वॉश नहीं करूंगी, और मैं अभी थोड़ा बीमार हूँ, मैं ठीक भी नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं आना नहीं चाहती उसे। मुझे मैं और बीमार हो जाऊंगी, और पता नहीं ऐसा लग रहा कुछ इन्फेक्शन हो गया मुझे ना, बार बार छींक आई जा रही है। वो क्यों, किस चीज़ की वजह से हो रहा, दैट आई हैव नो आइडिया अबाउट। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, फिर लाइक भी करना, और ये पूरा व्लॉग देखने के बाद शेयर करना नहीं भूलना। तो जाना है सीधा अभी इस वक्त कच्ची छावनी। तो मैं सबसे पहले प्रेप करती हूँ, अपनी स्किन को रेडी हो जाती हूँ, और मेरे को ज़्यादा मतलब डेली लाइफ मेकअप करना पसंद नहीं, मुझे लगता है मैं उसके मेकअप के बिना बहुत खूबसूरत लगती हूँ। जस्ट किडिंग, मतलब मेकअप के बिना मुझे लगता है मैं अच्छी लगती हूँ। पहले वो करते, सबसे पहले मैं टोनर लगाने वाली हूँ अपने फेस। मेरा मतलब पुराना फोन है सैमसंग, कैसे अनलॉक करना है, मेरा जो पासवर्ड था वो मैं भूल चुकी हूँ। प्लीज़ कृपया करके, अगर आपको पता है कि इसको कैसे मैं मतलब अनलॉक करूँ, क्या तरीका है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, क्योंकि ये फ़ोन भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बाद पहला फ़ोन मैंने यही लिया था। टोनर लगाने के बाद मैं नेक्स्ट अप्लाई करने वाली हूँ अपनी स्किन पे सनस्क्रीन। SPF 50 है इसमें, ये है अर्थ रिदम का। मैं कोई किसी भी चीज़ की, किसी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। पहले आपको ये वाला इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि जो मेरी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा ना ड्राई है, जस्ट टू मेक इट थोड़ा सा मतलब ऑयलीनेस फील हो, दैट्स वाई आई यूज दिस। अभी आप देखो कैसे आपको थोड़ा लगेगा कि हाँ देयर इज समथिंग लाइक ऑयली सा थोड़ा आपको लगेगा। मैंने सनस्क्रीन लगा ली है, बाकी जो बचा कुचा मैं यहाँ लगाऊंगी, और कुछ मैं यूँ इस तरह लगाऊंगी क्योंकि स्लीवलेस टॉप है तो बहुत चांसेस है। मेरी जो स्किन है फिलहाल तो फेयर है, इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये टिंट यूज करने वाली हूँ बीट रूट का। सो गाइज देखो कितना मतलब नेचुरल लग। तो गाइज ये कच्ची छावनी में यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ, और यहीं से पास से परेड पड़ता है वो भी एक्सप्लोर करूँगी। तो उससे पहले सोचा क्यों ना आपको दिखा दूँ, मैं छोटी सी मीटिंग में आई थी, और ये देखो हाल किया है यहाँ पे, तारे कैसे चपटी हुई है, मतलब बहुत डर लगता है ये सब जब मैं देखती हूँ ना अपने सामने, बहुत डर लगता है। तो मैं लोकेशन पे आ चुकी हूँ, और मुझे देखो कौन मिली, आ जाओ यहाँ पे, नहीं आ रही कुछ लड़की, आप सोच रहे होंगे कौन है मेरे ब्लॉग में जो आ रही है, शी इज फलवशा खानम। हाय खानम, हाउ आर यू खानम। तो हम एक दूसरे को आफ्टर आई थिंक 3 to 4 years मिल रहे हैं, राइट? वी यूज टू डांस टुगेदर, हमने फोक डांस बहुत किया एक साथ में। शी इज पलवशा एंड अभी ये परस्यू कर रहे स्टडीज, और साथ में ये डांसिंग वगैरह भी करते हैं, और शी इज वेरी इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग। तो आज हम क्या करने आए हैं, एनी आइडिया, पूरा ना बताना मत इनको। आई थिंक हमें बस इतना बोला कि अर्जेंट मीटिंग है, और सर बहुत टाइम पे आते हैं, जो कि 3 अर्जेंट मीटिंग साल के, और 3-2 हो चुके हैं, जो कितने बहुत अर्जेंट मीटिंग दिखा था वो भी तक यहाँ पे दिख नहीं दिया हम दोनों के अलावा, मुझे नहीं लगता और कोई है भी, मतलब हम कितने पंक्चुअल है। यस एग्जैक्टली, तो जो मीटिंग है हम वो मीटिंग करके आपसे बात मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो लो जी, जो मैंने आपको पहले कहा था, जैसे आपने जब व्लॉग स्टार्ट हुआ था तभी आपने देख लिया था कि आज मैं आने वाली हूँ परेड, और मैं एक्सप्लोर करने वाली हूँ, और आपको भी अपने साथ घुमाऊंगी। तो हम आ चुके हैं परेड, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। लाल दयाल गारमेंट, जो कि पड़ता है राजतिलक रोड के पास, एकदम बनिया स्वीट्स की अपोजिट है, जरूर यहाँ पे आके ट्राई कीजिएगा।
तो जैसे मैं अंदर आई, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इनके पास चिकनकारी कुर्तीज में सूट्स है, और अगर आप प्लेन सूट चाहते हैं अपने लिए वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एंड कश्मीरी कढ़ाई की बात करूँ उसमें सूट मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे प्लेन सूट भी पसंद आया, कश्मीरी कढ़ाई में भी बहुत अच्छे अच्छे सूट्स हैं, अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं। और जो स्टार्टिंग रेट है यहाँ पे, आप बिलीव नहीं करेंगे, सिर्फ 400 रुपये है, और मतलब 400 रुपये से स्टार्ट होते हैं सूट्स। मतलब मिरर वर्क के साथ भी यहाँ पे डिफरेंट तरीके के सूट्स हैं जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, और मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद कश्मीरी कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे कश्मीरी कढ़ाई में कुछ चाहिए था अपने लिए, तो जो इनके रेट है स्टार्टिंग ही 500 रुपीज़ है। आप भी यहाँ के एक्सप्लोर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, एंड अगर आप मेरा नाम लें क्या पता आपको डिस्काउंट में मिल जाए। और मैं इन दो के बीच में बहुत कन्फ्यूज थी कौन सा कलर लूँ कौन सा नहीं, तो मैंने अपने लिए वो जो येलो वाला कलर है यूज़ सूट किया। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो स्किन टोन है उसके हिसाब से ये परफेक्ट कलर चाहते, तो मैंने ये चूज़ कर लिया है। और जितने भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स वो यहाँ पे आ सकती हैं, उनको बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे यहाँ पे कुर्तीज़ मिल जाएंगी, और आपको कॉलेज आने की भी टेंशन नहीं रहेगी। तो इसके बाद गाइज मैं थोड़ी और आगे चली हूँ यहाँ पे, जहाँ पे सर्वेश्वर की शॉप है सचदेवा की, वहीं से देखो यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी कुर्तीज थी। तो ये भी जो स्टार्टिंग रेट है यहाँ पे 200 से मिल जाएंगी आपको, आप भी जा सकते हैं एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो देखो अंकल मुझे बुला भी रहे थे लेकिन मैं गई नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं चाहती मैं कुछ ऐसी जगह जाऊँ जहाँ पे मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, और कोई चीज़ जो मैंने अपने लिए कभी खरीदी नहीं है वो मैं यहाँ से खरीदूंगी आज। तो यहाँ से सर्वेश्वर का रास्ता है, सचदेवा का रास्ता है, हम इस तरफ जाएंगे जो बोलते हैं पटेल बाज़ार भी बोलते हैं इसको, तो हम पटेल बाज़ार में जा रहे हैं। तो हमने एंटर कर लिया है पटेल बाज़ार। इसको पटेल बाज़ार क्यों बोलते हैं वो तो मैं नहीं जानती, अगर आप जानते डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड अगर आप सिटी से हैं वो भी मुझे ज़रूर बताना। और मैं आ गई हूँ यहाँ पे अंकल की शॉप के पास, ये भी पटेल बाज़ार में पड़ती है। मुझे कुछ अपने लिए पिंस लेनी थी, तो देखते कितनी रेट में मिलेगी हमें यहाँ पे। कितने के बोले आपने? 10 रुपये तो मतलब यहाँ पे जो चीज़ें वो 20 रुपये से स्टार्ट है, 30 रुपये से भी स्टार्ट है, 50 से भी मिल जाएगी। और जो ये विक्स वगैरह यहाँ पे लगी है ये अंकल बोल रहे थे कि 200 रुपये से स्टार्ट है, डिस्काउंट भी अगर आप करेंगे तो अंकल कर देंगे, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं। और वहाँ पे जो जूड़ा आप देख रहे हैं ना ये 100-100 रुपये में अंकल बेचते हैं, 80 में भी आपको मिल जाएगी, तो बहुत अमेजिंग रहेगा। फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मैंने अंकल को पूछा यहाँ पे जो नेल पेंट्स वगैरह है इसका क्या कॉस्ट है। 20 रुपये से यहाँ पे स्टार्ट है नेल पेंट्स, जो कि मैंने नहीं ली, बस एक ली वाइट में क्योंकि मुझे चाहिए थी तो सामने ले ली। और ये पिन है ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये जस्ट 20 रुपये की। अगर अंकल को आप ऐसे बोलेंगे अंकल प्लीज़ 10 रुपये की कर दीजिए ना, मैं बड़ी दूर से आई हूँ ये वो, तो हो जाएगी 10 रुपये में, कोई टेंशन की बात नहीं। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगी, दोनों अच्छी थी लेकिन मैंने एक ली अपने लिए, वो है ये सिल्वर कलर में। इसके बाद मैं आ चुकी हूँ न्यू भंडारी शूज़ में, यहाँ पे मतलब डिस्काउंट में जो ये फ्लैट चप्पल्स है वो मिल रही थी, हील्स वगैरह भी जो भी है, इनका एक फिक्स प्राइस है जो कि स्टार्ट होता है 200 रुपये से, 300 रुपये के बीच में आपको मिल जाएंगी। अगर आप दो लेंगे तो आपको और डिस्काउंट भी मिल सकता है, और बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर। और मुझे ये जो वाइट कलर में अभी आप देखेंगे फ्लैट चप्पल्स, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगी, और ये मैंने अपने लिए बाय की। इसका जो रेट है मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, बाकी चलो अंकल से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं रेट्स के बारे में। जो डिस्काउंट है हमेशा रहता है यहाँ पे, ये पूरे साल के लिए वाओ डिस्काउंट चल रहा है सब कलरफुल चप्पल तो ये थी न्यू भंडारी शॉप में। और भैया की एक और शॉप है जहाँ पे ये मुझे लेकर गए जो कि बहुत ही न्यूली ओपन हुई है, और जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो हमेशा रहते हैं और हर हफ्ते में चेंज होता है। अगर अभी आप दो जूतीज लेंगे शायद आपको 500 की पड़ेगी, और नेक्स्ट टाइम क्या पता 600 की ही पड़ सकती है। तो आप जल्दी से जाएँ और जो ऑफर्स है अभी उसको अवेल कीजिए, वेट क्यों करना ज़्यादा है ना। और मुझे भूख भी लग रही, तो चलिए कुछ खाने भी चलते हैं, वहाँ पर आपको साथ लेकर चलते हैं। तो इसी के साथ मैं पहुंच गई हूँ पंडित कलहारी हट। अगर आप जम्मू से तो आप जानते होंगे कि कितनी फेमस शॉप है ये, और इतनी फेमस शॉप को मैं कैसे इग्नोर कर सकती हूँ अगर खासकर मैं सिटी में आई हूँ। और जो इनकी कलहारी है बहुत ही अमेजिंग है, मैंने भी टेस्ट की और मैं चाहती हूँ मैं जल्दी से आऊँ दोबारा टेस्ट करूँ, मुझे बहुत अमेजिंग लगी। अगर आपने कभी ट्राई की है जम्मू कलहारी, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और मुझे लगता है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ऐसे और ब्लॉग देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अरे आपको क्या लगा था कि मैं आपको रेट बताए बिना चली जाऊँगी? नहीं, जो तो ये फ्लैट चप्पल से ये मुझे 300 रुपए की। एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और ऐसे और व्लॉग्स देखने के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, टिल देन कीप सपोर्टिंग टू डल्स गाइज़।